हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल BS ऑनलाइन मेडिसिन में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो लीजिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब हमारा डाइसो सिस्टम सही से काम नहीं करता है और फ्रेश होने में प्रॉब्लम होती है या फिर जोर लगाना पड़ता है तो इस सिचुएशन को कब्ज कहा जाता है। ये प्रॉब्लम किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती है। कभी ये कुछ टाइम के लिए होती है लेकिन कभी कभी लंबे समय तक चलती है। इससे लगभग 60% लोग परेशान रहते हैं। इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे कि अगर पेट खराब हो तो सारा दिन खराब हो जाता है। और ये सिर्फ दिन ही खराब नहीं करता बल्कि इसकी वजह से गैस, एसिडिटी, पाइल्स और हर्निया जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। इससे राहत पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती दवाइयाँ, चूर्ण और जड़ी बूटियाँ लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से इसे जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको डेली सही टाइम पर फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इसे यह तरीका जल्दी असर नहीं दिखाएगा और इसके साथ साथ आप कुछ दिनों तक मेडिसिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम आपको इसके लिए ऐसी ही एक टेबलेट के बारे में बताएंगे। आज मैं आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जैसे कॉम्पोजिशन, प्राइस, डोज, यूज़, इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं फेनोलैक्स टेबलेट के बारे में। दोस्तों, अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर एक ही कंपोजिशन होता है, फिनोल फिटालिन। 300 mg की मात्रा में इसके अंदर डाला होता है। दोस्तों, अगर इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 25 रुपीस में 12 टेबलेट का स्टेप मिल जाता है और यह हर मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, अगर इस टेबलेट को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है फ्रैंकलिन लेबोरेटरीज, जो कि भारत की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। दोस्तों, इसका यूज़ ख़ास तौर पर कब्ज के लिए को ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको कब्ज है तो इसे हल्के में मत लें क्योंकि कब्ज के कारण बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। तो इसलिए अगर कब्ज हो तो फिनोलेक्स टेबलेट का प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, इस टेबलेट का प्रयोग करने से हमेशा पेट साफ रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। दोस्तों, इस टेबलेट का प्रयोग रात को खाना खाने के बाद गुनगुने दूध के साथ लेना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों, वैसे तो इस टेबलेट का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट फिर भी कुछ मैनुअल साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे उल्टी, पेट में दर्द या इस टेबलेट का ओवरडोज लेने से दस्त भी लग सकते हैं। दोस्तों, इस टेबलेट का प्रयोग अपने डॉक्टर या फार्मेसी की सलाह से ही करें और 12 साल से कम आयु वाले इस टेबलेट का प्रयोग ना करें, और अगर करना हो तो अपने डॉक्टर से परामर्श करके ही लें। अगर आपको कोई भी एलर्जी हो तो इसका प्रयोग ना करें और बच्चों की पहुंच से दूर ही रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आपके मन में इस टेबलेट से रिलेटेड कोई सवाल या शंका हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।